सबसे पहले तो शुक्र अदा करते हैं कि जैसे फ्लो बना हुआ है टीम का माशाल्लाह लगातार तीन मैच जीते हैं और इसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे और दूसरी बात यह है कि बड़ा अच्छा टीम कम्बिनेशन बना हुआ है जब तक आपको क्रिकेट में कम्बिनेशन आपको मिल जाए एग्जैक्ट कि इसी मतलब फ्लो के साथ सारे लड़के जान मार रहे हैं एक ही जगह पर एक ही फोकस है और उसी पर मेहनत कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा साइन है टीम के लिए और उसी वजह से हम जीत रहे हैं जी जी बिल्कुल ऐसे ही है आ, आ, सबसे पहले तो बात करूँगा कप्तान की बड़ा स्पोर्टिंग है और बड़े अच्छा मतलब दोस्ती अंदर भी माहौल चल रहा है जब मैं बॉल पकड़ता हूं तो आगे बैक करता है अगर एक दो चौके पड़ते हैं तो आगे मतलब बूस्ट करता है एज ए फास्ट बॉलर वो भी उसे पता है एज ए खुद फास्ट बॉलर है तो बस यही बात चल रही होती है कि हसन अब मैं आउट करूंगा तो अगर मैंने आउट किया तो उसकी बात चल रही होती है नहीं अब मेरी बारी है तो अंदर हमारा आपस में मैच हो रहा होता है और इन्जॉय करता हूँ बॉलिंग नई बॉल से ज़्यादा ज़्यादा इन्जॉय इसलिए करता हूँ स्विंग मिलता है मुझे कराची में थोड़ा टफ़ है कंडीशन थोड़ी मुश्किल है फास्ट बॉलिंग के लिए लेकिन अच्छे एरिए को हिट करने की कोशिश करता हूँ और शुक्र अल्लाह के अभी तक थोड़ा कामयाब हो रहे हैं और इन्जॉय कर रहा हूँ विक्ट्री जी बिल्कुल ये जो विकेट थी यहाँ पे मैच खेले हैं ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी थी साजगार थी और वही बात के अर्ली ऑन जब जो नया बॉल होता है तो उसे सरवाइव करना पड़ता है और अच्छी जगह पे हम लोगों ने हिट किया है और थोड़ी स्विंग मिली थी थोड़ी सीम भी मिली थी स्टार्ट में तो इस वजह से हमने अर्ली ऑन जैसे आपने देखा था पहले ओवर में दो आउट कर दिए थे तो उससे बड़ा टीम को बड़ा बूस्ट मिला था तो हमें यही था कि बस हम जल्दी से जल्दी आउट करेंगे और और इस मैच को जितनी जल्दी उतना उतना ग्रिफ्ट में करेंगे और यू की जो विकेट थी ओबली ड्राई कंडीशन है तो थोड़ा हार्ड है फास्ट बॉलिंग के लिए वहाँ पर लेकिन स्टेडियम में हमेशा मैं इन्जॉय करता हूँ स्टेडियम की विकेट को पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ पर बॉल कैरी होता है और अच्छा जाता है जी बिल्कुल ऐसी बात है हम लोग जैसे पहले पांच मैच हारे थे तो मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट को हाजी भाई को समी भाई को और जो हमारे मैनेजर मैनेजमेंट है जितनी भी जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो पैनिक नहीं हुआ मतलब हर हाँ टाइम पे हमें ऐसे ही था कि जैसे कोई बात नहीं अगल हम अगला पकड़ेंगे अगला हम अच्छा कर रहे थे लेकिन हमें वो जीत नहीं मिल रही थी वो क्लिक नहीं मिल रहा था तो बस वो उसी का इंतज़ार था वो एक मिली है, उसके बाद एक दो तीन मतलब आगे शुक्र अल्लाह का वहाँ पे मिलती रही है और दूसरा ये बात Uh, के जो बिल्कुल हमारे सीनियर्स प्ले नहीं थे ओबियसली uh, सीनियर्स के साथ आप बहुत कुछ सीखते हों लेकिन वो जो टीम कम्बिनेशन अभी जो हमारे सब यंग लड़के हैं uh, और एक्सपीरियंस uh, हसन है जैसे और थोड़ा सा मैं हूँ जो फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेला हूँ साथ है मतलब ये लड़के जैसे हम लेकर सबको साथ चल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी मैनेजमेंट की मतलब उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसे ही रहा कि जैसे हम पांच मैच पाँच मैच हारे थे तो हमें यह नहीं लग रहा था हम हारे हैं तो हमें यही लग रहा था कि हम एक जीतेंगे दूसरा जीतेंगे तो अभी तक स्टिल बिलीव था हमारा तो हम उसी पे चल रहे थे कि हम अगले भी इंशाल्लाह जो मैचेज हैं हमारा यही फोकस है हम जीतेंगे और फाइनल के लिए क्वालीफाई करें जी बिल्कुल ये बड़े अच्छा इकदाम है पीसीबी का भी कि आप जिस दिन अपना आउट करते हो स्पेशली मैं मैं हूँ अगर मैं मैच देख रहा हूँ या मैं अपना मैच खेल रहा हूँ वापस जाके मैं सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर जाके बाकी मैचेस भी देख रहा हूँ क्या कंडीशन है क्या बॉलिंग है और क्या बैटिंग खेलती है और ये बड़ा अच्छा साइन है और जो परफॉर्म करता है और उसका इंटरव्यू आता है वो बंदा सुनता है और थोड़ा बूस्ट भी मिलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं फिर करूँगा और फिर आगे मैं बोलूँगा तो और उसकी परफॉर्मेंस पर काफ़ी अच्छा फर्क पड़ता है यह बड़ी अच्छी चीज़ है पी की तरफ से